मेरी बहना चली जाएंगी वहाँ गोरी को देख के हो। कैसा हंसता है हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशीष राजपूत 100। तो आज सबसे पहले नंबर तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपके और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोग अपना अपना त्यौहार करिए। और हमारे अपने गाँव में है, आप लोग देख सकते हैं कि सभी लोग जा रहे हैं, ये हमारे गाँव में बोलते हैं भुंजरियाँ, अब इनको लेके जा रहे हैं नाले में और वहाँ पानी में सिराएंगे जाके। वैसे पानी तो आए नहीं, चलते हैं आगे आपको दिखाएंगे पूरा अपडेट। तो देखिएगा ये सभी लोग, हमारी पूरी फैमिली पीछे खड़ी है और सभी लोग अपना अपना मुंजरियाँ लिए लेके और जब यहाँ से अपने घर से निकलने वाले हैं और बहुत सारे लोग आगे मिलेंगे अभी, तो चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं। रुको जरा, सबर करो, रक्षाबंधन गाई दो। तुम गाओ, तुम गाओ, दे दे दे, सच्चे दे। हाँ गाओ, कुछ बढ़िया गाओ ना। मुँह 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 में गुजर रही है ना। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। राखी का बंधन है, बंधन का अभिनंदन है, भाई बहन जाते हैं उनका अभिनंदन है। भुजरियाँ देखो देखो कितनी लगी, पहले कितने कितनी लगाओ, ऐसे ना जापा हो के मेरे भुजरियाँ छोड़ के। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मेरी बहना चली जाएंगी वहाँ गोरी को देख के हो। कैसा हंसता है तो ये पीछे थे हमारे चाचा और ये अक्सर मतलब गांव में जो पार्टियां होती हैं ना, वो उसमें गाया करते हैं, तो पार्टी में जाते हैं गाते हैं। तो अभी मुझे रास्ते में मिल गए तो मैंने सोचा चलिए इनसे कुछ बातचीत शेयर करते हैं। तो उन्होंने थोड़ा एक छोटा सा गाना गाया और वो आपको देखा होगा आपने, जैसा कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं अभी चल रहा हूँ, तो काफ़ी लोग आगे, जितने भी लोग थे सारे लोग आगे निकल गए और ये रहा हमारा छोटा भाई, तो ये भी अपना लेके जा रहा है। वैसे सारे लोग ही मतलब आगे सभी लोग निकल गए और काफ़ी अंधेरा हो चुका है गांव में। मैं गांव से चल रहा हूँ तो कुछ आपको गांव का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है हमारा गांव। Hold me close till I get up, time is barely on our side. तो ये रही हमारी फैमिली और हमारे लोगों का जो घर है ना, तो वो मेरे पूरे गांव के लास्ट में घर है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को टाइम हो गया निकलने में, क्योंकि पता हो नहीं पाता कि कब कितने टाइम मतलब क्या चीज़ चल रहा है। और जो हम लोग जहाँ पे मुंजनियाँ सिराएंगे जाके, वो नाला पड़ता है, वो गांव के फर्स्ट साइड में पड़ता है जिस पर हम लोग आते हैं। तो हम ही लोग मतलब पीछे रह गए थे, आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरी फैमिली आ रही है और आगे भी बहुत अंधेरा हो गया, लेकिन मैं जल्दी जाके आपको कवर करके दिखाऊंगा चल के कि मतलब क्या है ना कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है और दिखाई पड़ रहा है उससे काफ़ी अंधेरा हो चुका है, क्योंकि मैं कैमरा क्वालिटी के माध्यम से थोड़ा अपना ब्राइटनेस बढ़ा के रखा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा इसमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बाकी अंधेरा ज़्यादा हो चुका है इस वजह से। और सभी लोग आ रहे हैं, थोड़ा पीछे हो गए, हम थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए जा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कैसा मतलब त्यौहार रहा वो ज़रूर बताइएगा हमसे, और किस प्रकार से हम लोग तो अपना, हमारे पास तो भुंजरियाँ आए नहीं, वहीं से किसी से पार्टिसिपेट कर लेंगे और किसी से मांग लेंगे और दिखाते हैं चल के आगे आपको। और हमारे यहाँ जो नाला होता था ना, वो पहले नाले में पानी आता था, अभी तो उस नाले में कोई पानी है नहीं, तो नाले में पानी है नहीं, अब देखते हैं किस प्रकार से वहाँ पर मतलब वो भुंजरियाँ वगैरह छिराई जाएंगी, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ को देखना है। तो चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं
किस प्रकार थे। आगे बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी शर्म आ रही है क्योंकि मेरा गांव का ये फर्स्ट ब्लॉग है, तो ब्लॉग के चक्कर में मुझसे काफ़ी लोग कहेंगे कि हाँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कहने दो। और बाकी चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब भीड़ रहती है, तो आपको भीड़ दिखाएंगे। और पीछे रहा वो, पीछे का नज़ारा, बहुत सारे लोग आ रहे हैं गांव की, ये हमारे रास्ता है, और इस साइड से मार्केट से आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और आगे मैं तो आपको दिखाता हूँ जरके कि काफ़ी ज़्यादा आगे भीड़ आपको देखने वाली है। अंधेरा काफ़ी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे गाँव की भीड़ है। और जिस प्रकार से मैं आगे फ्रंट वाले कैमरे से अंधेरे की वजह से थोड़ा कम आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन फिर भी जितना दिखेगा उतना आप समझिए, और उस चीज़ को आप उतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये रही हमारे गांव की भीड़, और आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और पानी पता नहीं है कि नहीं, मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, अमेजिंग। और आपको वीडियो कैसा लगे आप ज़रूर बताना। बाकी आपको मैं अभी यहाँ की, जो मैं तो आया नहीं हूँ, लेके आपको दिखाते हैं कि पानी कहाँ पे है, कितना पानी है। ये रहा, अंधेरा ज़्यादा हो गया तो पानी बहुत ही कम ही दिखाई पड़ रहा है। ये लो गाइस, एक ड्रोन शूट आपके, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया इस वजह से मैं वीडियो थोड़ा क्वालिटी में अच्छा नहीं आएगा, लेकिन चलिए जैसा भी आता है आप उसको थोड़ा देखिए। और ये रही हमारी गाँव की भीड़, और अधिकतर यहाँ पे ज़्यादा सभी लोग सिस्टर लोग आई हुई हैं, और यहाँ पे हमारे यहाँ की जो भुंजरियाँ होती फिराई जाती है। ये रहा नाला, अभी इस नाले में पानी ज़्यादा है नहीं, नाला पड़ा है सूखा, तो जिस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, देखिए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप भी अपना शेयर कीजिए कि किस प्रकार से आपका त्यौहार हुआ है, किस प्रकार से भुंजरियाँ फिराई जाती हैं, नहीं फिराई जाती हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, सभी लोग, हमारा घर ना होता है वो साइड में है, तो बहुत लेट आ पाए हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। ये रोड है, मतलब ये पुल है, और पुल के साइड से ये, मतलब मेरा ये जो फिराने वाला होता है ना भुंजरिया का, यहीं पे है, तो ये फाइनल जो घर के जो गांव के फर्स्ट रास्ता है वही रास्ते से ही है ये। तो आप लोगों का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये टीचर, ये देखो भुंजरिया, आगे जा, ये रे भुंजरिया, काफ़ी अंधेरा हो चुका है इस वजह से मैं आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे मुझे जाना है रास्ते पे, और बहुत ज़्यादा भीड़ है, अमेजिंग है यार, काफ़ी अंधेरा हो चुका है इस वजह से वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है आपको दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा अंधेरा हो गया क्योंकि मैं थोड़ा, मेरा घर जो पड़ता है वो गाँव के थोड़ा साइड में है, तो इस वजह से मैं थोड़ा यहाँ पर लेट आ पाया। और जो भी है, आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरा ये ब्लॉग गांव का फर्स्ट ब्लॉग था।